मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन, और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, 24 की रेस बताएंगे। सुकेश, अभी अभी आपने अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव भाजपा पे तंज कसते नजर आ रहे, बोलते हैं कि मौजूदा सांसदों का टिकट कटने वाला है, लगभग सभी का टिकट कटने वाला है, और एक व्यक्ति वो भी इधर उधर रास्ते तलाश कर रहे हैं। उस एक व्यक्ति से उनका प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना था। सर, आपने अखिलेश यादव को सुना, उनका उन्होंने ट्वीट भी किया था, एनडीए पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन इंडिया का क्या हाल है, सपा का क्या चल रहा है, कांग्रेस के साथ क्या चल रहा है, वो कोई बात नहीं कर रहा, ना ही वो बात कर रहे ना कोई और बात कर रहा है। हाँ, ये एक प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश ज्यादा है जी। ये कहना कि भाजपा से कोई लड़ना नहीं चाहता, भाजपा के सारे लोगों का टिकट कटने वाला है, तो ये वो दबाव बना रहे हैं कि भाजपा में सब ठीक नहीं है या उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं है जी। आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि एक टिकट छोड़कर सारा कटने वाला है, मतलब प्रधानमंत्री वहां से लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि वो सुदूर कहीं कोई रास्ता वो भी तलाश रहे, मतलब प्रधानमंत्री भी नहीं लड़ने वाले, तो इसको बहुत गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए, इसको एक राजनीतिक बयानबाजी की तरह लेना चाहिए। आपने जो उसके साथ सवाल पूछा कि भाजपा के बारे में, तो कह दिया उन्होंने खुद की क्या स्थिति है जी, या क्या उनकी बातचीत हो गई कांग्रेस से, क्या गठबंधन हो गया है, कई दौर की बातचीत हुई है और ये बातचीत उस परिपेक्ष में हो रही है। इसको भी समझिए कि बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, बिहार में नीतीश कुमार रास्ता बदल चुके हैं जी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को लगता है कि थोड़ा अपर हैंड है जी। वो ऐसे वक्त में जब दो सहयोगी ऑलरेडी गच्चा मार रहे हैं जी, मार चुके हैं, एक तो मार चुके हैं, दूसरा अगर साथ नहीं लड़ेंगी तो वो भी इंडिया में कहने के लिए होंगी, तो कांग्रेस पे थोड़ा दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि लड़ाई भी लड़नी है तो बातचीत चल रही है जी। कुछ सीटों पे मैंने कहा था कि एक आध दो दिन में, ये मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि अखिलेश यादव को बातचीत करनी थी उनकी टॉप लीडरशिप से, और जो अलायंस कमेटी में है उनकी, उनके जो सीनियर लोग थे उनसे, मुझे लगता है कि वो बातचीत अभी होना बाकी है। कल भी एक दौर की बैठक हुई थी और मोटे तौर पे कुछ सीटें जो तय हुई हैं जी, जो आपको मालूम है 7 सीट आरएलडी को दी जा चुकी है, नामों की घोषणा अभी बाकी है ऑफिशियली। कांग्रेस हर कमिश्नरी में एक सीट चाहती थी जी, वो वर्कआउट किया जा रहा है होगा कि नहीं। लेकिन मैं कुछ सीटें बता दूं कि आपको मालूम है कि 16 सीट की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी, उसमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो लगता था कि वो कांग्रेस को दे देगी, जैसे लखनऊ है जी, लखनऊ शहरी क्षेत्र है, वहां सपा का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, कांग्रेस वहां पहले भी लड़ती रही है, तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस को लखनऊ मिल जाएगी, लेकिन लखनऊ उन्होंने घोषणा कर दी। तो पहले तो लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि वो कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस लड़ेगी जी। अब एक दो सीटों के बारे में उनको मालूम है कि ये तो फाइनली लड़ेगी, मतलब ये तो फाइनली कांग्रेस ही लड़ेगी जी। तो मैं लिख के बता दूं आपको ताकि लोग समझ जाए कि कितनी सीटें ऐसी हैं जहां वो लड़ सकती है कांग्रेस, और ये सीटें कौन सी हैं जी। सबको मालूम है आशुकेश कि अमेठी, अमेठी से ही शुरू करें, अमेठी, रायबरेली, रायबरेली एकमात्र सीट है जहां अभी कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी हैं जी सर। कानपुर से शिवप्रकाश जायसवाल जो हैं वो जीत चुके हैं, तो कानपुर सपा दे सकती है कांग्रेस को जी। बनारस वैसे लड़ना चाहती थी सपा, लेकिन बनारस हो सकता है वो छोड़ दे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भी लड़ना चाहती है, ये एक सिंबॉलिक लड़ाई है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन लड़ा, तो बनारस वो लड़ सकते हैं।
आप ईस्टर्न यूपी की तरफ चलिए, कौन कौन सी सीटें ऐसी हो सकती हैं? कहा जा रहा है कुशीनगर, कहा जा रहा है देवरिया, कहा जा रहा है बांसगांव, महाराजगंज। अब जैसे कुछ सीटें महाराजगंज, आप इसलिए आपको मालूम है आशुकेश कि इनकी तेज तरार प्रवक्ता जो है सुप्रिया सिनेत वो पिछली बार लड़ी थी जी। अब सपा नहीं चाहती कि यहां से सुप्रिया सिनेत लड़े, मतलब कास्ट इक्वेशन ऐसा है कि किसी दूसरे को लड़ाइए, लेकिन दिक्कत यह है कांग्रेस के साथ कि वो अपनी कुछ पर्सनालिटी को लड़ाना चाहती है जी। तो सुप्रिया सिनेत आज की तारीख में जानी मानी फेस है, नेता है, फेस है, तो वो लड़ना चाहेंगी। इस पे मामला थोड़ा फंसा हुआ है। चलिए थोड़ा बुंदेलखंड के इलाके में कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं? हमीरपुर हो सकती है जी, झांसी हो सकती है जी, कौन सी सीटें और हैं? अब कुछ सीटें कॉन्टेंशियस हैं आशुतोष। अब जैसे बाराबंकी, बाराबंकी पुनिया के लिए चाहती है कांग्रेस, पीएल पुनिया जी। पीएल पुनिया कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, दलित हैं वो, तो पुनिया के लिए चाहते हैं वो जी। यहां पासी वोटर बहुत हैं बाराबंकी में, बाराबंकी में। अब ये पासी वोटर की वजह से मैं थोड़ा इसको ठीक कर दूं, अगर आप मुझे वो दस्तर पकड़ा दे, पासी वोटर होने की वजह से यहां पे स्थिति बहुत रोचक हो जाती है। क्या होता है इसमें, अगर सब लड़ रहे हो जी, मल्टी कॉर्नर फाइट हो, तो पासी वोटर बढ़ जाता है। अगर आज की तारीख में लड़ेंगे तो वो पासी वोटर बहुत डिसाइसिव हो जाएगा और बाराबंकी जो है सपा को लगता है कि पुनिया के जीतने में दिक्कत हो जाएगी, उनको किसी सेफ सीट पे भेजिए, पुनिया पे किसी और को लड़ाइए अगर बाराबंकी आप चाहते भी हैं तो। अब कुछ सीटें जैसे सहारनपुर, सहारनपुर इमरान मसूद के लिए बोला चाहिए। इमरान मसूद सपा होते हुए, बसपा होते हुए फिर कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं जी, मजबूत आदमी है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और सपा भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहां पोलराइज होके मामला खराब हो सकता है, तो सहारनपुर वो मांग रहे हैं, लेकिन मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अमरोहा आजकल चर्चा, दानिश अली की वजह से चर्चा में है। अब ये सीट जो है जी सपा देना नहीं चाहती, इस पे आखिरी फैसला अखिलेश यादव और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लेना है जी। वो एक सीट जो मैंने ईस्टर्न यूपी की मैं भूल गया, अभी लिख देता हूं, बलिया, बलिया, बलिया कांग्रेस मांग रही है, लेकिन वो मांग रही है अजय राय के लिए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है। तो अजय राय क्या जीतेंगे पहले तो ये असेस करने में दिक्कत हो रही है। भदोही, भदोही ये राजेश मिश्रा के लिए मांग रहे हैं। राजेश मिश्रा एक जमाने में 2009 में जी कांग्रेस से सांसद थे, बनारस से, जहां से आज प्रधानमंत्री सांसद है, वो बनारस नहीं लड़ना चाहते, वो भदोही लड़ना चाहते हैं। जो सीटें हैं, एक सीट और मिर्जापुर लड़ना चाहती है कांग्रेस, कांग्रेस इस पे भी बातचीत चल रही है, मिर्जापुर मिलेगा क्या। जो शहरी सीटें हैं, आ जाइए आप वेस्टर्न यूपी में जी, सात सीटें चूंकि आरएलडी लड़ेगी तो इसलिए कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे गाजियाबाद, गाजियाबाद कांग्रेस लड़ सकती है, नोएडा कांग्रेस, अगर कांग्रेस इंटरेस्टेड हो तो सपा को नोएडा देने में दिक्कत नहीं है। तो ये सीटें ऐसी हैं जिस पे चर्चा हो रही है कि कांग्रेस और सपा के का गठबंधन हो और इन सीटों पे कांग्रेस लड़े जी। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं, लेकिन मोटे तौर पे
ये सीटें हैं जिसपे जिसपे चर्चा होगी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस। नहीं आपने ये सीट नहीं है, अठारह अठारह के आसपास। तो मैंने पहले भी बताया था कि 16, 17, 18 कुछ ऐसा कहीं भी हो सकता है कि कांग्रेस वहां पे लड़ना चाहे और सपा उनको देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सर सपा शुरू से ही कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुई थी। अभी बताया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि 11 से 12 सीटें दे सकती है कांग्रेस को। ये भी दबाव बनाने का एक तरीका, जैसे अभी उन्होंने लिखा कि भाजपा के सारे सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। जी। उसी तरीके से उन्होंने 11, चूंकि बातचीत में रोड ब्लॉक था जी, तो थोड़ा हिलाने के लिए कि जग जाइए, देर हो रही है जी, जल्दी सीट बंटवारा होना चाहिए और विनिंग प्रोपोजिशन देख के हम सामने आए, तो अखिलेश यादव जगाने के लिए 11 सीट कह रहे हैं, सीटें कुछ ज्यादा होंगी इससे जी। वो कहां 17 पे रुकेगा, 18 पे रुकेगा, 16 पे रुकेगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई एक रिस्पेक्टेबल नंबर कांग्रेस वहां लड़ना चाहती है, क्योंकि वहां से उनके पूर्व अध्यक्ष, वहां से उनके कई प्रधानमंत्री चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए एक आग्रह ये है समाजवादी पार्टी से कि हर कमिश्नरी में एक सीट मिल जाए, तो 18 हो गए, कुछ सीटें ऊपर से दे दीजिए, कुछ सीटें। और वो बताते हैं, अब जैसे फरुखाबाद मैंने नहीं लिखा, फरुखाबाद वो सलमान खुर्शीद के लिए चाहते हैं। अब देखिए, जीतना इंपॉर्टेंट है, यह है कि इस पे लड़के क्या जीतेंगे आप, यह इंपॉर्टेंट है कि आरएलडी कांग्रेस और सपा का एक वोट बैंक जो है, क्या वो भाजपा के उस वोट बैंक को जो कई जगह पे 50% के आसपास पहुंच चुका है, जो बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुका है जी, आप वहां पहुंच सकते क्या? इसलिए बार बार पीडीए, आज भी जो ट्वीट किया है तो उसमें पीडीए का जिक्र किया है जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये इंपॉर्टेंट है, 80 सीटों वाला जो प्रदेश है वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि कहां क्या होना है। लेकिन सर 80 सीटों पे तो हमने बात कर ली, एक आपसे ओवरऑल भी कमेंट चाहूंगा। चलिए अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, यानी इस पे प्रोसेस हो रहा है, कल भी मीटिंग हुई यूपी में, यूपी को लेकर कांग्रेस और सपा दोनों ही कन्वर्सेशन में एटलीस्ट है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हो रहा है? क्या कोई कन्वर्सेशन बंगाल में आगे बढ़ा? क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद कोई कन्वर्सेशन बिहार में हुआ? महाराष्ट्र में एक मीटिंग हुई थी, आपने बताया था कुछ दिन पहले वीडियो में ही, लेकिन इन ये जो दो स्टेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए खास तौर पे नॉर्थ और वेस्ट जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप अलायंस कर भी लो। अब ये नॉर्थ और वेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट, चूंकि आपने छेड़ दिया तो थोड़ा इसके बारे में बता देना जरूरी। ईस्ट जी, ईस्टर्न पार्ट वो बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है, पिछले चुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन वो गढ़ नहीं रहा है बीजेपी का। वो जीतती है वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कॉम्बिनेशन से, यहां पे उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। अगर दर्शकों को बताऊं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन प्रदेशों में जो स्टेट्स आते हैं उसकी उसका जीतने का जी, जो स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं जी, वो बहुत अच्छा है। अब नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन से राज्य आएंगे, अगर आप देखें तो यूपी 80 सीटें, राजस्थान 25, दिल्ली 7, हरियाणा 10, उत्तराखंड 4 या 5, पंजाब 13, हिमाचल 4 है जी, 4। अब ये जो नंबर स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के जी, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीजेपी का जी, 80 में से आज की तारीख में वो पहले जीते थे आशुतोष जी 63 जी, जब उपचुनाव हुआ तो आज की तारीख में सपा के पास 3 सीटें हैं जी,
कांग्रेस के पास एक सीट है, बसपा के पास 10 है जी, तो वो करीब करीब 10-4 मतलब वो अभी 66 सीटें जीत चुके हैं आज की तारीख में। राजस्थान में 25 में 25, दिल्ली में 7 में 7, हरियाणा में 10 में 10, उत्तराखंड में 5 में 5, पंजाब में 13 में इनके हाथ कुछ नहीं लगा था क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अकाली दल 2 सीटें जीती थी जी। तो एक पंजाब छोड़ दिए, हिमाचल में 4 के 4 जीते थे। अब यहां पे डायरेक्ट फाइट है, एक पंजाब को छोड़ दीजिए जो जहां पे अलायंस नहीं हो रहा है जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, तो बाकी जो स्टेट्स हैं वहां आपको एक सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप अलायंस के साथ लड़ रहे हैं, नहीं तो हर जगह डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस के साथ जी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट जो है वो कैसे ठीक कर लेती है। बाकी मैं अगर थोड़ा और क्लियर कर दूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इस अलायंस के बाद भी अब आप वेस्ट वेस्ट इंडिया के स्टेट्स ले लें जी सर, गुजरात 26 की 26 बीजेपी के पास है, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48 में 41 या 42 जी, शायद 41 या 42। अब इसमें 100% स्ट्राइक रेट जी, इसमें भी ऑलमोस्ट 100% 28 सीटें हैं, 48 मतलब 26 में 26, 29 में 28 और 48 में 41 या 42 सीटें हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, बीजेपी के पास मतलब एनडीए के साथ। अब ये आप वेस्ट और नॉर्थ, ये बीजेपी की स्ट्रेंथ है, इस बीजेपी के स्ट्रेंथ को आप पंचर तभी कर सकते हैं जब आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 सीटें और महाराष्ट्र में 48 सीटें जहां एमवीए लड़ने वाली है एक मोर्चा, ऐसा लग रहा है कि ये कामयाब हो जाएगा गठबंधन बनाने में, तो इन 80 सीटों पे 80 और 48 128 जी, 128 सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े नंबर्स भी हैं, बहुत बड़े नंबर्स है। इसके अलावा भी अगर आपको रोकना है तो हर जगह गुजरात में ऑलमोस्ट 1-1 है, आम आदमी पार्टी ने थोड़ा इनवर्ट बनाया है, मध्य प्रदेश 1-1 है, दिल्ली में अलायंस के बाद थोड़ी स्थिति ठीक होगी, हरियाणा में दल है लेकिन भाजपा और कांग्रेस में आज की तारीख में लड़ाई है, वहां INLD उस तरीके की फोर्स अब नहीं है, नहीं रही है, तो ऐसे में आप जब लड़ने जाते हैं आशुकेश तो आप देखते हैं कि आखिर हमारी हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगी जी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिहार उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार उधर चले गए हैं तो परसेप्शन के लेवल पे एक चेंज आया है कि बीजेपी यहां भी मजबूत हो गई, नहीं तो वो 40 सीटें ऐसा लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा कि ये जो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं, बिहार में 40 में 39 सीटें थी लेकिन जेडीयू के साथ थी, अब फिर जेडीयू साथ हो गई, झारखंड में अपने दम पे जीते थे जी, आजसू साथ थी लेकिन अपने दम पे 14 में 12 शायद बीजेपी जीती है। उड़ीसा में पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, 8 सीटें जीत गई थी जी, 14 में भी नहीं जीत पाई थी, शायद 1 सीट थी 14 में। वेस्ट बंगाल में भी 18। तो यहां पे फर्दर आगे बढ़ने की गुंजाइश कम है, इसीलिए भाजपा जो है वो कोई बॉक्स जो है वो टिक किए बिना छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए उसने बिहार भी ठीक किया, सदर्न स्टेट्स की मैंने किसी और दिन बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सदर्न स्टेट्स में भी उनके कर्नाटक और तेलंगाना से अभी 4 सांसद आते हैं जी, लेकिन हर जगह वो अपनी प्रेजेंस फील कराने के 10% से ज्यादा आज की तारीख में उनके वोटर वहां है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सदर्न इंडिया, इंडिया ब्लॉक के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर कांग्रेस इन स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न स्टेट्स में अगर वो भाजपा को टक्कर देती है तब जाकर भाजपा को बीट करना आसान होगा, नहीं तो इंडिया ब्लॉक बना के सीटों के गठबंधन के बाद भी वो विन विन सिचुएशन में हो, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया ब्लॉक पे ही बार बार सवाल उठ रहा है जी, नीतीश के जाने के बाद, ममता के स्नब किए जाने के बाद,
ममता से स्नब किए जाने के बाद, तो सिर्फ गठबंधन किसी तरीके से कर लेना, मतलब आप पेपर्स पे हो सकता है कि आप गठबंधन कर ले, लेकिन वो जो इक्वेशन होता है, वो जो केमिस्ट्री होती है, उसको क्या आप रीड कर पा रहे हैं, उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, तब जाकर आपको भाजपा को आप टक्कर दे पाएंगे और जीत पाएंगे। मतलब बेसिकली सिर्फ सीट गठबंधन कर लेने से काम नहीं चलेगा, जब आप सीट शेयरिंग पे बात कर लेंगे, अगर आप एक रणनीति बना लेंगे कि इस सीट पे इस कैंडिडेट को उतरना चाहिए तो क्यों उतरना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। जब दो पार्टियों के बीच में तालमेल अच्छा होगा, सीट शेयरिंग अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली उनका कन्वर्सेशन भी लोगों के सामने पहुंचेगा, उनकी बातें लोगों के सामने पहुंचेंगी, और इसे एक मैसेज जाएगा कि गठबंधन जो है वो स्ट्रांग है, जो शायद अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ नहीं दिख रहा है या फिर नहीं दिखेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखते हैं कि कैसे सीट शेयरिंग पे अभी बात बनती है यूपी में। अखिलेश यादव ने भले ही ट्वीट कर दिया और बीजेपी पे निशाना साध लिया, लेकिन अभी भी यूपी में कंफर्म्ड गठबंधन सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। महाराष्ट्र में अच्छी प्रोग्रेस देख रही है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।